हाय, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वॉर क्या होती है और वॉर के इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, हमारा वॉर का इफेक्ट आता है, सिंपली क्या इफेक्ट होता है, ट्रीटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जैसे दोनों कंट्रीज़ के बीच के इंडिविजुअल्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एनिमी स्टेट की जिसके साथ वॉर चल रही है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और उनके बीच में जो कमर्शियल ट्रेड चल रहा है या ट्रैवलिंग चल रही है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यही इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली इफेक्ट आता है वॉर का। अब वॉर होती क्या है, अगर हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो जब दो स्टेट्स के बीच में, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं और वो डिफरेंसेस एक लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं, जो सहन करने की उनकी क्षमता होती है उससे क्रॉस हो जाते हैं, फॉरबियन से क्रॉस हो जाते हैं, लिमिट्स जो उनकी सेट हुई होती है, फिर उसके बाद वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करते हैं। तब जब इस तरीके की आर्म्ड फोर्सेस को वो यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि उनके बीच में वॉर हो गई। वॉर जब होती है तो उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड होते हैं कि जब वॉर होगी तो वो ये चीज़ें करेंगे, मतलब इस तरीके से वॉर होगी, जब वॉर एंड होगी तो वो अपने बीच में एक ट्रीटी ऑफ पीस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से वॉर एंड होती है, बहुत सारे वेज होते हैं वॉर को एंड करने के, तो वो सारी चीज़ें इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। जैसे अगर कोई प्रिजनर्स वॉर के अंदर पकड़े जाएंगे तो उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और वॉर के अंदर बेसिकली यही होता है कि एक कंट्री, एक स्टेट अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं, अपनी जो कंडीशंस होती है वो दूसरी कंट्री के ऊपर इम्पोज करना चाहती है, इसी को हम वॉर बोल देते हैं। वॉर की डेफिनेशन बहुत सारे फिलोसफर्स जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से दी है, आप उनको पढ़ सकते हैं। एक जूरिस्ट की हम पढ़ भी लेते हैं, ओपियम ने बोला था, ओपियम ने वॉर को डिफाइन किया था क्या, कंटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो दो स्टेट्स भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही स्टेट्स हों। जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी कितनी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई थी, तो टू और मोर स्टेट्स थ्रू देयर आर्म फोर्सेज, वो अपने आर्म फोर्सेज को यूज़ करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ ओवर पावरिंग ईच अदर, की उनका पर्पस क्या होता है कि मैं उसके ऊपर अपनी पावर जमा लूँ, ओवर पावर कर लूँ दूसरी कंट्री को, ईच अदर एंड इम्पोजिंग सच कंडीशंस ऑफ पीस एज द विक्टर प्लीजेस, और फिर उसके ऊपर ऐसी कंडीशन लगा दूँ पीस की जो कि जीतने वाला लगाता है उसके ऊपर, तो इसको हम वॉर बोल देते हैं। ये किसने डिफाइन किया था, ओपियम ने डिफाइन किया था, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफेसर स्टार्क ने भी किया था, तो वो सब आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इफेक्ट क्या होते हैं वॉर के, वॉर के इफेक्ट जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे चीज़ों पे इफेक्ट आता है। सिंपली सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे नॉर्मली सबसे पहला इफेक्ट जो होता है, जैसे ये कंट्री है तो जिसके साथ वॉर हो रही है वो एनिमी कंट्री हुई, जिसको हम बेलिजरेंट स्टेट भी बोलते हैं, तो क्या करेंगे कि उस कंट्री में जो भी हमारे एम्बेसडर्स होंगे वो एम्बेसडर्स हम वापस बुला लेंगे, तो सबसे पहला इफेक्ट यही होता है। तो रिलेशंस रिगार्डिंग डिप्लोमेट्स एंड काउंसलर्स, किसके जो डिप्लोमेट्स और काउंसलर्स के रिलेशंस होते हैं, द कमेंसमेंट ऑफ वॉर द बेलिजरेंट कंट्रीज सेवर दियर एम्बेसडरियल रिलेशनशिप्स, तो वो अपने एम्बेसडरियल रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, सिवरियल कर देते हैं अपने उस रिलेशनशिप को बाय कॉलिंग बैक देयर एम्बेसडर्स, कि भाई वापस आ जाओ, अब उस कंट्री में आपका रुकना सिक्योर नहीं है अगर आप वहाँ पर रुकोगे, हमारी उनके साथ वॉर हो रही है। एंड कमर्शियल इन्वॉइस फ्रॉम द सीट ऑफ द अपोजिट कंट्री, जो भी कमर्शियल इन्वॉइस होते हैं और एम्बेसडर्स होते हैं उनको अपोजिट कंट्री की सीट से वापस बुला लिया जाता है, सबसे पहला इफेक्ट ये होता है। अब क्या होता है, जैसे हाँ दो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में ट्रीटीज़ होती हैं, तो जो ट्रीटीज़ होती हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ट्रीटीज़ बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है, सिर्फ एक टाइप की ट्रीटी नहीं होती, तो सब ट्रीटीज़ के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है, जो बेलिजरेंट स्टेट्स हैं तो उनके बीच में जो ट्रीटीज़ होती हैं वो टर्मिनेट हो जाती है। कौन सी ट्रीटीज़ टर्मिनेट हो जाती हैं, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड होती है, जो मैंने आपको सिंपल इफेक्ट भी बताया ना वही ट्रीटीज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कि जो भी फ्रेंडली रिलेशंस के लिए ट्रीटीज़ की गई हैं कि हम अपनी कंट्री आपकी कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे और जो भी फ्रेंडली चीज़ें करेंगे, वो सारी जो ट्रीटीज़ की गई होती हैं वो सारी टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दूसरा ट्रीटीज़ के ऊपर इफेक्ट क्या आता है, अब जैसे कुछ ट्रीटीज़ होती है जो परमानेंट अरेंजमेंट के लिए होती है, जैसे कि हम बाउंड्रीज़ के लिए करते हैं कि इतना एरिया तुम्हारा, इतना एरिया हमारा, यहाँ मतलब जैसे बाउंड्रीज़ को लेके, तो इस तरीके की जो परमानेंट अरेंजमेंट्स होगी इन ट्रीटीज़ के ऊपर वॉर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, परमानेंट अरेंजमेंट वाली ट्रीटीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरी जो ट्रीटीज़ के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये हम ट्रीटीज़ के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे। तीसरा जो होता है, अब जैसे वॉर रेगुलेटिंग ट्रीटीज़ होती हैं,
जिससे वॉर का रेगुलेशन होता है कि इस तरीके से वॉर की जाएगी अगर किसी कंट्री के बीच में होगी तो, इन विच बेलिजरेंट आर पार्टीज डू नॉट एक्सपायर बाय द कमेंसमेंट ऑफ वॉर। तो ऐसी जो ट्रीटीज होंगी ये खत्म नहीं होंगी जो वॉर के रेगुलेशंस के लिए होंगी। तो पहली कौन सी थी, फ्रेंडली वाली, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी कौन सी थी, जो परमानेंट अरेंजमेंट के लिए होगी, वो खत्म नहीं होगी। तीसरी कौन सी, वॉर के रेगुलेशंस के लिए, ये भी खत्म नहीं होगी। चौथी कौन सी होती है, मल्टीलेटरल लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड हो गई और मेडिसिन से रिलेटेड हो गई, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, इस तरीके की जो भी प्रॉपर्टी को सेव करने की हो गई। तो इस तरीके की जो ट्रीटीज़ होंगी वो ख़त्म तो नहीं होंगी लेकिन हाइबरनेशन के अंदर चली जाएंगी, मतलब कि वो अभी रुक जाएंगी। जब वॉर ख़त्म होगी तो जो कंट्रीज आपस में वही जो भी बातचीत करके अगर उनको लगता है कि स्टार्ट करनी चाहिए तो वो उसको अगेन से स्टार्ट कर सकते हैं। और Sometimes in treaties certain express provisions are made itself which explain the fate of the treaty in case of war। और कई बार जब treaties कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर हम treaties के अंदर ही बता देते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई वॉर अराइज हो गई तो उस वक्त इस ट्रीटी को किस तरीके से करना है, कि ये ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी या हर्बिनेट हो जाएगी या क्या होगा इस ट्रीटी के साथ, तो वो हम उस ट्रीटी में ही लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है और आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है जो भी treaties countries के बीच में होती हैं, ठीक है। इन अदर काइंड ऑफ ट्रीटी, जैसे कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हो गई, ये क्या होती है, सिंपली सस्पेंड हो जाती है, ये ऐसा नहीं होता कि टर्मिनेट हो गई। एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ जैसे होती हैं, ये जब वॉर ख़त्म होगी तो फिर से आप जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये क्या इफेक्ट है, वॉर का इफेक्ट है ट्रीटीज़ के ऊपर। फिर हम देखते हैं वॉर का इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर मान लीजिए जैसे दो एनिमी कंट्रीज़ है, बेलिजरेंट कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ का एक इंडिविजुअल है, एक वहाँ का इंडिविजुअल है, उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तो उसके ऊपर वहाँ के जो भी बेसिक लॉज होते हैं दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने लग रहे होते हैं, बाकी आप ट्रीटीज से अप्लीकेबल होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा हो चुका है, उसको आप परफॉर्म कर चुके हैं वॉर से पहले, तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वॉर हो गई तो उस वक्त अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे उसके हिसाब से भी क्या होता है कि अगर वॉर हो गई तो हमने जो एनिमी कंट्रीज़ के साथ, मतलब अब वो हमारी एनिमी कंट्री बन गई, एनिमी कंट्री के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वॉइड हो जाएगा, बिकम वॉइड विद द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर। जैसे ही हमारी लड़ाई शुरू होगी वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएंगे। द वॉइडेंस कम्स बिकॉज ऑफ द इलीगलिटी एज ट्रांजेक्शन विद एनिमी आर ट्रीटेड एज इलीगल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन एनिमी के साथ होते हैं उसको इलीगल ट्रीट करते हैं, इसलिए वो वॉइड हो जाती है। चौथा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन एनिमी प्रॉपर्टी, की जो एनिमी की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एनिमी की प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। पब्लिक प्रॉपर्टी भी दो तरीके की हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दो तरीके की हो सकती है, मूवेबल हो सकती है और इमूवेबल हो सकती है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी वो इस तरीके से हो सकती है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको एनिमी टेरिटरी के अंदर कॉन्फिसिकेट किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ना तो उसको कॉन्फिसिकेट किया जा सकता है, ना ही उसको बेचा जा सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी को जो एनिमी के टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट द टेरिटरी ऑफ एनिमी मे बी ऑक्यूपाइड, उसको आप एक्यूपाई कर सकते हो लेकिन आप उसको कॉन्फिसिकेट और सोल्ड नहीं करोगे, एंड यूज टेम्परेरीली, और टेम्परेरीली यूज कर सकते हो, उसको आप जब्त नहीं करोगे और बेचोगे नहीं। हाँ, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको आप जब्त कर सकते हो, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है एनिमी स्टेट के अंदर, द जनरल यूनानिमस रूल इज दैट द प्राइवेट ऑफ द एनिमी स्टेट कैन बी टेम्परेरीली ऑक्यूपाइज। तो जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जनरल रूल है कि आप उसको टेम्परेरीली ऑक्यूपाई कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ लोकल एमरजेंट नीड्स और कैन बी यूटिलाइज फॉर अर्जेंट मिलिट्री पर्पसेज। तो आप उसको जो भी लोकल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, और मिलिट्री पर्पस की अगर कोई अर्जेंट नीड्स है उसको पूरा करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको जब्त नहीं कर सकते या फिर बेच नहीं सकते, ठीक है। ये जनरल रूल है, अब ये तो इंटरनेशनल लॉज है, आप इसको नहीं भी करोगे तो कोई कुछ करेगा थोड़ी ना। लेकिन इंटरनेशनल लॉज होते हैं, अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते तो बाकी कंट्रीज भी आपका बायकॉट करना शुरू कर देती हैं। फिर जो कमर्शियल रिलेशंस और ट्रैवलिंग होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कमर्शियल रिलेशंस रुक जाएंगे, सिंपल सी बात है। जो भी हम दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड चल रहा होगा वो सारा ट्रेड रुक जाएगा, और ट्रैवलिंग भी उस वक्त के लिए रोक दी जाएगी, क्योंकि वॉर चल रहा है और जो भी अगर हमारे लोग उस तरफ जाएंगे या वो लोग इस तरफ आएंगे, जो भी दो कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, तो दोनों के लिए ही खतरा रहेगा। तो बाय द कमेंसमेंट ऑफ वॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस एंड ट्रैवलिंग बिटवीन द बेलिजरेंट स्टेट्स आर प्रोहिबिटेड, एंड दिस इज यूनानिमस रूल्स दैट बाय द बिगनिंग ऑफ द वॉर इन बिटवीन द बेलिजरेंट स्टेट्स कमेंस एंड ट्रैवलिंग इज टर्मिनेटेड। तो ट्रैवलिंग टर्मिनेट हो जाती है और जो भी ट्रेड वगैरह होता है उसको रोक दिया जाता है। ये एक यूनानिमस रूल है, सभी इसको मानते हैं। तो ये इफेक्ट होते हैं वॉर के, ठीक है। तो वॉर क्या होती है और वॉर के इफेक्ट क्या होते हैं, ये हमने समझा, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर उनके क्या इफेक्ट, मतलब उनके यूनाइटेड चार्टर में वॉर के बारे में क्या लिखा हुआ है। और हम एक इस टॉपिक को समझेंगे कि
वेरियस मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर क्या होते हैं, कि किस किस तरीके से वॉर को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी ये टॉपिक समझना हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।